नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 2 की शुरुआत पर दूसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत आज करने वाले हैं। इसमें 67 सेवाएं शामिल की गई हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी इसमें निराकरण किया जाएगा और उसका लाभ भी दिया जाएगा। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर एक दिन का शो था, उसकी सरकार तो आने नहीं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। पहले भी किसान कर्ज माफ, बेरोजगारी भत्ता, कन्यादान योजना की 51,000 देने का भ्रम फैलाया और अब फिर झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। कांतिलाल भूरिया के बयान पर कमलनाथ जी, आपके नेता बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का बोल रहे हैं, हिम्मत है तो पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जहां आपकी सरकार है वहां लगाकर दिखाएं। ये मध्य प्रदेश है, यहां प्रतिबंध तो क्या कोई विचार भी नहीं कर सकता। आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर भोपाल से 10 और छिंदवाड़ा से एक को पकड़ा गया है। 19 तारीख तक रिमांड पर लिया जाएगा। हैदराबाद से भी 5 लोगों को भोपाल लाया जा रहा है। फंडिंग कहां से आ रही है इसकी भी जांच बात सामने आई है, आगे की जांच की जा रही है। चूंकि उनको देना तो है नहीं, सरकार उनकी आना नहीं है, इसलिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। सिर्फ झूठ के सहारे पर वर्तमान में कांग्रेस चल रही है। कितना और झूठ बोलेंगे झूठनाथ जी? भोपाल के 10 लोग और छिंदवाड़ा के जो एक व्यक्ति हैं, जो HUT के लोग हैं, उनको 19 तारीख तक का रिमांड पर लिया गया है। 5 लोग हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए हैं, उनको लेकर के पुलिस पार्टी रवाना हो गई है भोपाल के लिए। वो 5 भी भोपाल आएंगे शीघ्र ही। काफ़ी जांच के बाद में इनका जो फंडिंग का मामला है उसकी भी गंभीरता से जांच की जा रही है कि फंडिंग कहां से इनको आ रही है, वो सारे बिंदु स्रोत देखे जा रहे हैं। जो रायसेन के जंगलों में ये कैंप करते थे, जो फायरिंग की ट्रेनिंग लेते थे, ये सब चीज़ें भी, इनका जो जंगल बार फेयर है, ये सब चीज़ें जांच में आ गई हैं। और ताकि लोगों की प्राइवेसी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में जा रही, अब तक सरकार भरवाती थी, अब नारी सम्मान योजना लागू करके उसका फॉर्म भरवाया जाए, इससे लोगों से साइबर फ्रॉड होने की भी संभावना है। ये सारी बातें आपकी विचारणीय है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा कपोल कल्पित है, कल्पमाओं में है और देवा स्वप्न है। इन्हें कुछ देना ही नहीं है, इसलिए जनता में ये पूर्व की भांति, जैसे एक बार किसानों को कर्ज माफी का भ्रम फैलाया, नौजवान को बेरोजगारी का फैलाया, कन्याओं को 51,000 का फैलाया, वही है ये भ्रम और कुछ नहीं।